अब वकील भैया शांत हो जाओ। नहीं नहीं, हम कहाँ शांत होंगे, हम तो बोलबे करेंगे, बहुत भ्रष्टाचार है साहब, बहुत भ्रष्टाचार है। और अंदर भैया कमियां उछल उछल के सामने आ रही थी, अब क्या ही बताएं हम आपको, बड़ा हाल खराब है। ये बाराबंकी जिले का तहसील नवाबगंज है। शुक्रवार को भैया राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव जी ने निरीक्षण किया, अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए थे। ऐसा नहीं है भैया, सबको पता था कि निरीक्षण करने के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव जी आ रहे हैं, तो तहसील प्रशासन पूरा लगा रहा कि कमियां दिखे ना, कमियों को दबा दो भैया, लेकिन कमियां तो उछल उछल करके हेमंत राव जी के सामने आ रही थी। तहसील में भैया कमियों का भंडार दिख रहा था। किसान दुर्घटना बीमा योजना संबंधित पत्रावली गायब हुई के भोरे भोर अखबारों में खबर छपी रही, देखो भैया किसान दुर्घटना संबंधित पत्रावली भी नहीं मिल रही थी। और यही नहीं भैया, अन्य पटलों पर तो ऐसी स्थिति थी कि का ही बताएं, अभिलेख पूर्ण नहीं थे, कहीं कहीं तो भैया रजिस्टर गायब हो गया था, रजिस्टर के साथ साथ कर्मचारी भी लापता था। तो जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी ने कहा कि देखिए भैया कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया डीएम साहब ने। और यही नहीं, तहसील प्रशासन भैया पूरा कमियों को छुपा रहा था, लेकिन बाहर देखा तो वकील हाय हल्ला मचा रहे थे कि भैया बहुत भ्रष्टाचार है। होना का था, हेमंत राव जी ने तो भैया फोन भी लगवाया कि एक जरा लाभार्थी को फोन लगाकर ये बातचीत कीजिए। कर्मचारी बेचारा हैरान हो गया, ओके तो पसीना टपकत रहा है। लगा इस भैया सतरी के जगजीवन का फोन, जगजीवन भैया पैसा मिला तुमका? जगजीवन बोले तो भैया हमका कहाँ मिला पैसा, तनिक सुनो। बैंक खाता देखे 4,000। अब बता भैया, जब राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव जी कहते कि फोन लगाए पूछो भैया, तो देखा तो कितन की स्थिति सामने आती है। उधर से बगदा किसान बोला था जगजीवन भैया पैसा तो नहीं आवा, ईतन की स्थिति है, बताइए जरा भैया इस तरह की स्थिति है। सोचो ही बाराबंकी जिले का नवाबगंज तहसील है, जहां पर कमियों का भंडार दिख रहा था, अन्य तहसीलों में हाल कैसा होगा ये तो भैया ऊपर वाला ही जाने। हम टिक्का टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे, डीएम साहब आश्वासन देने की कार्रवाई की जाएगी, अब आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। बाकी तनिक सुनो भैया, राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव जी का कह रहे थे जो निस्तारण है वो काफी पेंडेंसी है, उसको लेकर क्या कुछ आपने निर्देश दिए हैं? जो बात को निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं, जो भी किसी बात का निस्तारण होगा, आदेश होगा, निर्णय होगा, पूर्ण आदेश पूर्ण निर्णय पोर्टल पर फीड करना है, ताकि जो वादकारी है उनको तुरंत पता चल जाए कि आदेश क्या है, डिटेल आदेश क्या है जी। जब वो डिटेल आदेश पोर्टल पर आएगा तभी माना जाएगा कि वो आदेश है। अभी बकायदा यूपी का डिजिटल बनाना चाहता है, लेकिन बाराबंकी जिले का नवाबगंज तहसील देखा तो भैया कितन का है, का ही कहा जाए। बाकी बातें तो आपने सुने ली भैया हेमंत राव जी की, आप किस प्रकार कमेंट कीजिएगा। इस दरमियान डीएम साहब भी दिख रहे थे, तमाम वकील लोग भी उपस्थित रहे। बाकी दूसरी खबर देख ली था। अब देखा था भैया बाराबंकी जिले के दरियाबाद से विधायक और राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं, बढ़िया बातचीत होती है, बैठक होती है। और देखा तो योगी जी के बगले में बैठे हुए थे राज्य मंत्री जी। इस दरमियान भैया देखा तो योगी जी पूरा आश्वासन दिए कि महादेवा कॉरिडोर के निर्माण के लिए रास्ता तो पहले से साफ हो चुका है, अब बकायदा बजट आवंटित करवा देंगे तो बढ़िया आपको महादेवा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ जैसा भव्य दिखाई देगा। और यही नहीं भैया, हैदरगढ़ रामसराय घाट मार्ग को भी चौड़ा करने के साथ साथ टिकैत नगर में बाईपास बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब बकायदा आश्वासन मिला है राज्य मंत्री जी का, योगी जी से मुलाकात करी ना है, हम गलत तरीका आपका बता दी। देखा तो योगी जी के बगल में बैठे हुए थे और योगी जी पूरा आश्वासन दी ने कि देखो परेशान ना हो, महादेवा कॉरिडोर के निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था करवाई जाएगी और बढ़िया भव्य महादेवा का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम में सहज खबर सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तबियत थोड़ी खराब है हमारी, तभी हमने कहा आपको जानकारी बता दें, तो आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।